वीर जी, तीन बातें जो समझ में आ रही है अगर इसको एनालाइज करें तो, या तो अशोक गहलोत बागेन करती हुई स्थिति में दिख रहे हैं, वो चाहते हैं कि मेरा प्रेसिडेंट का पोस्ट तो सुनिश्चित हो जाए, एक साल बचा हुआ है, उनके समर्थक बार बार कह रहे हैं कि एक ही साल तो बचा है, इन्हीं को सीएम कंटिन्यू करा लो। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने साफ संकेत दे दिए हैं, एक तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, यानी गहलोत ही सबसे प्रबल दावेदार दिख रहे हैं एज गांधी फैमिली लॉयलिस्ट। दूसरी तरफ एक पद, यानी क्या कर रहे हैं इस वक्त अशोक गहलोत को आप जितना समझते जानते हैं, क्या समझ में आ रहा है? किससे सवाल पूछ रही हैं आप हमसे? हाँ जी, हाँ जी जावेद जी। देखिए, ये जाहिर है कि अशोक गहलोत जी, मुझे कोई शक नहीं है कि अगर इलेक्शन होगा एआईसीसी के अध्यक्ष का, तो अशोक गहलोत लगता है कि वो फेवरेट हैं, वो बाजी मार जाएं। अशोक गहलोत के लिए अध्यक्ष बनना तो सुनिश्चित है, वो ये चाहते हैं कि उनके पसंद का और खास तौर पे सचिन पायलट ना बने, क्योंकि उनके और सचिन पायलट के बीच में जो इतिहास है वो सब जानते हैं। वो ये नहीं चाहते कि सचिन पायलट बने। ये जो अभी धारीवाल जी की यहाँ मीटिंग हो रही है, और ये सब ये है कि सचिन पायलट को अगर रोकना, एक तो पहली कोशिश ही होनी चाहिए कि सचिन पायलट ना बने, और बने भी तो सब सम्मति से ना बने, उनके खिलाफ एटलीस्ट कुछ लोग तो हों ऐसे जिन्होंने विद्रोह किया या जिन्होंने अपनी रजामंदी नहीं जाहिर की, तो उनका मेन गेम ये है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर वो सचिन पायलट यंग हैं, डैशिंग हैं, पढ़े लिखे हैं, उनकी युवाओं में पकड़ है, अगर वो हो जाएंगे मुख्यमंत्री और फिर वो जल्दी हटने वाले नहीं है, फिर अशोक गहलोत ने जो अपने लिए वहां करके जमीन तय की है वो हो सकता है खिसक जाए, वो सचिन उसको हड़प लें, इसलिए वो अध्यक्ष तो बनना चाहते हैं लेकिन वो जयपुर पे भी अपनी पकड़ रखना चाहते हैं, अगर खुद नहीं तो किसी अपने अपने यस मैन के थ्रू। यही जो हो रहा है वो अभी फिलहाल यही, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में ये विरोधाभास होना स्वाभाविक है, लेकिन ये उनकी लीडरशिप की जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट स्किल्स हैं, क्षमता है, उसका ये बहुत बड़ा भी टेस्ट है कि क्या जो अभी तक जो हाईकमांड है, हो सकता है एक महीने बाद वो हाईकमांड ना रहे, जो अभी तक हाईकमांड है उसकी बात MLAs मानते हैं, उनकी ख्वाहिश पूरी करते हैं, या अशोक गहलोत भी वही रास्ते पे चलेंगे जिसपे अमरिंदर सिंह चल गए थे, जब अमरिंदर सिंह को हटाया पंजाब के मुख्यमंत्री के बाद, तो फिर उसके बाद उपद्रव हो गया, उन्होंने पार्टी छोड़ एक अलग पार्टी बनाई, और फिर उसके बाद नाना नाना करते प्यार बीजेपी से करीब बैठे, बीजेपी उन्होंने ज्वाइन कर ली। तो क्या अशोक गहलोत या अशोक गहलोत के लोग उस हद तक जाएंगे, या सिर्फ अपना विरोध प्रकट करेंगे, यूनैनिमस नहीं होने देंगे, या भरसक पूरी इस हद तक भी चले जाएं कि किसी भी हालत में सचिन को नहीं होने देंगे? बिल्कुल यही हम भी पूछ रहे थे रोहन जी आपसे, जिस पर अभी तक स्पष्ट जवाब नहीं मिला है। गहलोत का गेम आखिर है क्या? आप लोगों के लिए भी किरकिरी तो हो ही रही है। शांतिपूर्वक तरीके से जब एक पद कह दिया था सचिन पायलट को, एक दिन पहले राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में बुला लिया, अगले दिन गहलोत साहब को बुला लिया, साफ संदेश था, फिर ये सब क्यों कर रहे? बहुत ही अनग्रेसफुल बिहेवियर है ना ये तो। अनग्रेसफुल इसलिए नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में विधायक जो होते हैं वो चुनाव करते हैं कि कौन उनका अगला नेता होगा, इसीलिए बिल्कुल ये प्रोसेस और वो हो रही है। और मुझे अभी शहजाद पूनावाला बोल रहे थे, मुझे तरस आ रहा है कि भाई मैं आ रहा हूं तो कोई, अरे भैया आपके आने से किसी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके साथ डिबेट करने में इसलिए कोई प्रॉब्लम बोल दो प्रवक्ता को, चालू भी नहीं है। चार नाम देता हूं अंजना जी, चार नाम, सुभाष चंद्र बोस जी, परसोत्तम दास टंडन जी, सोनिया गांधी जी, सीताराम केसरी जी, ये चार हमारे जो प्रेसिडेंट है ये चुन के आए और इलेक्शन लड़के आए। क्या भाजपा के प्रवक्ता को डेट, अभी आपने डेट पूछा तो उन्होंने क्या कहा, नड्डा जी का चुना हुआ। अरे भाई साहब, नड्डा जी का चुनाव नहीं होता है, भाजपा का चुनाव होता है जिसमें नड्डा जी खड़े रहते हैं। और उनकी आपत्ति देखिए, पहले ही आपत्ति थी राहुल गांधी जी खड़े नहीं हो रहे, अरे गांधी के सिवा कुछ नहीं है, आज दूसरे खड़े हो रहे हैं, अरे ये तो गांधी फैमिली के हैं। अरे भाई साहब, आप कांग्रेस को अपने लेंस से मत देखिए ना, आपकी हिम्मत कई बार शहजाद पूनावाला, अगर ऑपोजिशन पार्टी में कुछ अच्छा हो रहा हो, चुप रह के अपनी जो बेइज्जती है वो रुकवाना चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए। और आप तो कांग्रेस में रहे, आपका भी इतिहास मैं नहीं चाहूंगा, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी में नहीं पढ़ना चाहूंगा, हम सबको मालूम है। पर आज यहाँ पे मुद्दा ये है कि जो चार चुनाव हमारे अध्यक्ष लड़े हैं, आपका एक भी चुना हुआ अध्यक्ष डेट के साथ, गोल गोल बात मत कीजिए, डेट के साथ नाम दीजिए, 30 तारीख को JP नड्डा किसके सामने चुनाव लड़े थे वो बताइए। बताता हूँ,
जेपी नड्डा चुनाव जीते पूरा बता किसके सामने लड़े मौका दीजिए किसके सामने लड़े थे वो अंजना जी दूसरी बात मैं बोलना चाहूंगा दूसरी दूसरी बात जी जवाब दे रहे हैं उसके बाद मैं लौट रही हूँ क्योंकि मुझे शरद के पास भी जाना है ऐसा है सुनिए शरद को भी दिखाइए अभी आपने बात सुनी होगी और आपने भी इसका जिक्र किया देखिए कितना अटपटा सा है एक सेकंड मैं अपनी बात रख लूं कितना अटपटा सा है आपने अभी कहा कि राहुल गांधी से अशोक गहलोत भी मिले शरद शरद अगर आवाज आ रही है क्या कह रहे थे जो विधायक अभी अंदर गए वो भजनलाल जाटव थे मंत्री थे वो उनसे हमने बातचीत की उन्होंने कहा कि नहीं अभी मीटिंग बुलाई गई इसलिए हम जा रहे हैं एक एक करके सारे मंत्री आ रहे हैं मैं अपने कैमरा में से कहूंगा कि एक नजारा दिखाएं अंदर का क्योंकि अंदर का नजारा भी देश को देखना चाहिए कि कांग्रेस की हालत क्या है यहां पर कि विधायक दल की बैठक 7 बजे बुलाई गई है उससे पहले इस तरह से शक्ति प्रदर्शन हो रहा है देखिए ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अंदर एक बेचैनी है उन्हें लगता है कि कांग्रेस आला कमान ने सचिन पायलट को लेकर फैसला कर लिया है वरना 3 साल 9 महीने पहले जो स्थिति में सचिन पायलट के घर पर देखा था कि विधायकों को बुलाकर शक्ति प्रदर्शन करना वो 3 साल 9 महीने बाद मैं देख रहा हूं अशोक गहलोत के यहां शक्ति प्रदर्शन करना तो कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन बदला है और जिस तरह से कांग्रेस चाहती है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभालने जा रहे हैं कम से कम वो दिल्ली में सक्रिय रहे अगर नीतीश कुमार आ रहे हैं तो भावी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं उनसे मिले यहां वो सचिन पायलट को मैनेज करने में लगे हुए हैं बिहार बंगाल उड़ीसा गुजरात महाराष्ट्र केरल कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इसलिए पर्यवेक्षक भेजकर जल्दी से जल्दी यहां से इनको मुक्ति दिलाना चाहते हैं मगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाहते हैं कि सचिन पायलट के अलावा किसी भी नाम पर वो राजी हो जाएं ये सारे जो है अंदर शरद इसमें कोई गुंजाइश नहीं है पीते आप दिख रहे थे वो शक की कोई गुंजाइश नहीं है ये लगभग कंफर्म्ड खबर है कि सचिन पायलट का नाम बता दिया गया है अशोक गहलोत को शरद सचिन पायलट का नाम बता दिया गया है इसीलिए ऐसी खलबली वहां पर दिख रही है लेकिन सवाल तो ये है ना कि ऐसे आखिरी घड़ी में क्या कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को यहां तक भरोसा नहीं है एक ऑब्जर्वर को साथ जी शरद को आवाज नहीं जा रही है शायद मल्लिकार्जुन खड़गे को अजय माकन को भेजा गया है क्योंकि कोई ठिकाना नहीं है अशोक गहलोत का वो बोले चलिए बाद में पहले ये चुनाव हो जाए दिवाली के बाद रिजाइन कर देंगे दिवाली नहीं उसके बाद से अगले साल रिजाइन करते हैं ऐसे करते करते वो एक साल निकाल लें इस हद तक कुर्सी से चिपकने की उनकी बात को लेकर कांग्रेस पार्टी में आशंका है मुझे पता है रोहन जी उसको स्वीकारेंगे नहीं एक बार फिर से वहां से ग्राउंड रिपोर्ट देंगे आज अपनी बात पूरी कर लीजिएगा शरद शरद को काट दीजिए फुल फ्रेम वहां की बैठक से पहले यहां बैठक क्यों हो रही है वो अभी हम आए हैं अभी जानकारी तो आपको किसने बुलाया है हाँ? नहीं हम तो आए हैं हम मंत्री है हमारे मंत्री है पार्टी के मंत्री है हाँ विधायक दल की बैठक 7 बजे 7 बजे सात बजे सात बजे कोई कोई नहीं कोई शक्ति किसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी है अभी तो मुख्यमंत्री आय का शक्ति प्रदर्शन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी बिल्कुल 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 है वो मुख्यमंत्री और रहना चाहिए वही मुख्यमंत्री है और वही रहना चाहिए अशोक गहलोत अशोक गहलोत जी रहना चाहिए सचिन पायलट जी बनेंगे तो अशोक गहलोत जी रहना चाहिए मुख्यमंत्री है पूरे 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 कार्यकाल में अशोक गहलोत कार्यकाल में अशोक गहलोत रहने चाहिए जिस तरह से राहुल गांधी का ट्वीट आया उस राहुल गांधी के ट्वीट के बाद अशोक गहलोत ने अपनी भाषा तो बदली मगर 6 दिनों में 6 बार अपने स्टेटमेंट बदले हैं अंजना याद होगा कि जिस रात वो बैठक बुलाए विधायक दल को उस रात कहे कि हम दोनों पद पर रहेंगे बजट भी पेश करेंगे अगले दिन उन्होंने कहा कि क्या क्या गड़बड़ है कि 2 पद पर रहे हम 3 पद पर भी रह सकते हैं चुनाव जीत कर आ रहे हैं फिर जैसे ही राहुल गांधी ने ट्वीट किया उन्होंने कहा कि मैंने कब कहा था कि 2 पद पर रहूंगा आज उनके विधायक कल से ही कह रहे हैं मंत्री सारे कि 2 पद पर वो रहेंगे जबकि राहुल गांधी का ट्वीट आ चुका है और खुद कह चुके हैं कि कांग्रेस आलाकमान की मंशा है 1 पद पर है तो मैं 1 पद पर रहूंगा उसके बावजूद यहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए मीटिंग हो रही है कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव ही पूरा मजाक बनकर रह गया अंजना अगर इस पूरी परिस्थिति को देखें तो खुद राहुल गांधी जब ट्वीट करते हैं 1 पद 1 व्यक्ति के सिद्धांत के लिए और राहुल गांधी अगर कांग्रेस की आला कमान है तो कांग्रेस के विधायक और मंत्री की भाषा आप सुन रहे हैं कि अशोक गहलोत ही रहे माने वहां पर भी नाफरमानी हो रही है संयम लोढ़ा सुहास गर्ग जो मंत्री है वो कह रहे हैं कि सरकार गिर जाएगी अगर अशोक गहलोत यहां पर नहीं रहेंगे तो समर्थन वापसी के बारे में हम सोच सकते हैं तो इस तरह की धमकियां भी दी जा रही है ये पॉलिटिकल ड्रामा जो जयपुर में खेला जा रहा है मुझे लगता है लंबे समय तक कांग्रेस में ये याद किया जाएगा किस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष के ताजपोशी से पहले यहां पर पावर गेम हुआ था सचिन पायलट फिलहाल जो है जिस तरह से एक विजेता के रूप में यहाँ दिखाई दे रहे हैं देखिए आप कहीं भी चले जाइए सड़क पर चले जाइए विधायकों के पास बैठ जाइए वो अकेले में कहते हैं कि कांग्रेस के नैया पार लगा सकता है तो कोई सचिन पायलट लेकिन सीपी जोशी और बीडी कल्ला
गोविंद सिंह डोटासरा ऐसे ठीक है सर, मैं लौट रही हूँ आपके पास, लौट रही हूँ। जैसे ही कोई बड़ा नाम वहां पर आता है इशारा कीजिएगा, फौरन आपके पास आएंगे। शहजाद जी बात अपनी पूरी कीजिए, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि उस सीएलपी के पहले उनके गुट के समर्थक जा रहे हैं। अब उनकी आस्था है ना, काम किया उन्होंने, चार साल से काम कर रहे हैं वो गहलोत साहब के साथ। सीएलपी के बदले कैबिनेट की मीटिंग करते और बताते कि 31% बेरोजगारी दर क्यों है राजस्थान में, क्यों 31% का वैट लगाए जिसकी वजह से 109 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल है राजस्थान में, क्यों वहां पर 12.5 लाख हमारी गायें, गांव माता को लंपी स्किन डिजीज हुआ है, पूरे देश में 18 लाख है तो केवल राजस्थान में 12 लाख है, क्यों आज हिंगलाज माता मंदिर में रोक लगा दी गई है धार्मिक वहां पे आयोजन करने से, क्यों और पीएफआई को तो खुली छूट मिलती है मार्च निकालने के लिए, तो इस पे कैबिनेट मीटिंग करते। पर अंजना जी मुझे मूल 2-3 सवाल उठाने हैं। अभी आपने भी कहा कि राहुल गांधी से गहलोत और पायलट मिलने गए, ये तो भाई अंजना जी तरीका ये नहीं, इतने देर से मैं इंतजार कर रहा था अपने मौके का। नहीं अंजना जी, आ तो आप करवाइए मेरी बात से जनता, आवाज जा रही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि राहुल गांधी तो मात्र एक सांसद है, मात्र एक सांसद है, तो पायलट और गहलोत उनसे क्यों मिलने गए? चलिए दूसरा सवाल, ये भारत जोड़ो यात्रा हो रही है, राहुल गांधी तो वायनाड से केवल 52 में से 1 सांसद है ना, पूरी पार्टी ना एलओपी के पीछे लगी हुई है, ना कोई जनरल सेक्रेटरी के पीछे लगी हुई है, केवल राहुल गांधी के पीछे पूरी पार्टी लगी हुई है उस समय पर जब इनका तथाकथित चुनाव हो रहा है। और प्रियंका वाड्रा जो परिवार से है वो भी जनरल सेक्रेटरी बन जाती है, 7% से 2% वोट आ जाता है इनका उत्तर प्रदेश में, सारे प्रदेश अध्यक्षों का इस्तीफा लिया जाता है, प्रियंका वाड्रा अपनी जगह पर है। ये परफॉर्मेंस आधार है या परिवार आधार है पार्टी का, मुझे एक बात बता दीजिए ना इसके बारे में। तो ये इसके से स्पष्ट है कि रिमोट कंट्रोल चाहे कोई भी बने, जैसे चिदंबरम जी ने बताया कि कोई भी अध्यक्ष बने, रिमोट कंट्रोल सोनिया गांधी और राहुल गांधी के हाथ में, अन्यथा बता दे कि क्यों राहुल गांधी से पायलट और गहलोत मिलने गए। भाई उनका वो तो एकमात्र एक सांसद है, अगर उनका हस्तक्षेप नहीं है वो हैंड्स ऑफ है, ये पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये पावर विदाउट अकाउंटेबिलिटी है। जिस प्रकार से मनमोहन सिंह की सरकार में मनमोहन सिंह को नॉमिनल रिमोट कंट्रोल प्राइम मिनिस्टर बनाकर उन्होंने आगे किया, पर पीछे से सोनिया गांधी सब कुछ चलाती थी, इसी प्रकार से अशोक गहलोत जिनका तय है बनना और इलेक्शन का आउटकम अगर फिक्स्ड हो तो इलेक्शन कहलाता है।